प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के सूत्रों के बारे में पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ज्ञात करो। तो आपको वृत्त की परिधि का सूत्र बताया मैंने कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। यहां जो ये पाई शब्द आया है ये ग्रीक भाषा का अक्षर है और पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। जहां पर 3.14 की जरूरत पड़ेगी वहां पर 3.14 लगाएंगे, जहां पर 22/7 की जरूरत होगी वहां पर 22/7 लगाएंगे। वैसे दोनों मान एक ही हैं, 7 का भाग 22 में दें तो 3.14 ही आता है। वैसे तो पॉइंटों में आगे मान चलते रहते हैं इसके, लेकिन हम पॉइंट के दो ही अक्षर तक मान लेते हैं तो 3.14 पर ही इसको खत्म करते हैं। वैसे तो ये 3.14507 इस प्रकार से आगे चलता है, लेकिन जहां पर संख्या जो r है उसमें 7 का भाग जाएगा तब तक तो हम 22/7 ही मान लगाते हैं यहाँ पाई के स्थान पर। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 7 से आगे वाली संख्या विभाजित नहीं होती r जो है वो, तब हम 3.14 का प्रयोग करते हैं। वो हमारी सुविधा के अनुसार करते हैं हम, ये जरूरी नहीं है कोई बच्चा 3.14 लगा कर क्वेश्चन कर लेता है, कोई बच्चा 22/7 लगा करके कर लेता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी 3.14 से भी किया जा सकता है, 22/7 से भी किया जा सकता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं उस समय सुविधा के अनुसार ये मान लगाए जाते हैं। तो देखिएगा, दो इनके बीच में किसी के निशान नहीं है तो गुणा के माने जाते हैं। दो गुणा पाई का मान 22/7 आर 3.5। अब देखिएगा यहाँ 3.5 के अंदर आर 7 का भाग आसानी के साथ जा रहा है, इसलिए मैंने 3.145 को देखते ही 22/7 लगाया है कि सवाल करते समय सुविधा हो हमें। अगर 3.14 मान लगा देते तो 7 का भाग उसमें जाएगा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन करने में टफ हो जाएगा। बाकी 3.14 से भी क्वेश्चन करेंगे तो भी ठीक है और 22/7 से करें तो भी ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में तो लिखा हुआ मिलता है, जब पाई का मान 22/7 को छोड़ करके ये लगाना हो तो नीचे लिखा हुआ मिलता है कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 गुणा 22/7 गुणा इसका पॉइंट हटाकर हम कर सकते हैं 35 लिख दें ऊपर, नीचे देखिए पॉइंट हटाने के लिए एक अक्षर आगे है तो 10, अगर दो अक्षर पॉइंट के बाद होते आगे तो 20, अगर पॉइंट के बाद 3 अक्षर होते तो 30। इस प्रकार से ये पॉइंट हटाने का सिस्टम होता है कि पॉइंट हटाने के लिए एक, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो 10, दो अक्षर होंगे तो 20, तीन अक्षर होंगे तो 30। इसको वापस पॉइंटों में भी बदला जा सकता है कि जैसे 35 है इसके बटा में 10 है, इसको पॉइंटों में बदलना है तो इसके पास 10 है तो एक अक्षर के बाद पॉइंट आता है, अगर यहाँ पर बटा में 100 होता तो फिर दो अक्षर के बाद पॉइंट आता। इस प्रकार से पॉइंट की संख्या को हम भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को हम दशमलव की संख्या में बदल सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को हल करें तो 7 × 5 = 35 भाग जा रहा है 5 का, ऊपर और नीचे की संख्याएं अगर गुणा में हों, अगर वो किसी एक ही पाड़े से विभाजित हो रही हों तो उनको विभाजित किया जाता है। जैसे यहाँ पर 7 से विभाजित हो रहा है 35, 7 में 7 का भाग देते हैं 1 आएगा, 35 में 7 का भाग देंगे तो 5 आएगा। अब देखिए इसका गुणा करें तो 5 × 10 गुणा 22/10, 10 से 10 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी परिधि, यानी वृत्त की परिधि आ जाएगी 22
सेंटीमीटर। इसको बिना पॉइंट हटाए भी हम कर सकते हैं, जैसे 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 3.5। मान लो आप पॉइंट हटाए ने तो भी इसको किया जा सकता है, जैसे 3.5 के अंदर 7 का भाग दें, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटेगी 0, पॉइंट ऊपर लगाएंगे, फिर 35 में 7 का भाग दें तो 7 पंजे 35, यानी 7 का भाग जब हम 3.5 में दें तो 0.5 आएगा। तो देखिए 2 गुणा 22 गुणा 0.5, अब 5 2 गुणा 22 को 5 से गुणा करें तो 110, एक अक्षर पर पॉइंट है तो एक पर पॉइंट लग जाएगा, 11 बच गया ये, 11 को 2 से गुणा करें तो 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम वृत्त की परिधि को ज्ञात कर सकते हैं। बाकी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि इस बार परिधि दे रखी है, जब हमारे पास वृत्त की त्रिज्या न हो, हमें क्षेत्रफल या परिधि दी जाए, तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि उसकी त्रिज्या कैसे प्राप्त हो। त्रिज्या प्राप्त करने के लिए परिधि या क्षेत्रफल जो भी दिया हुआ मान हो उसको सूत्र के बराबर लिखते हैं। जैसे यहां पर दे रखी है वृत्त की परिधि, तो हम लिखेंगे परिधि बराबर दिया है इसने 44 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर दिया है ये क्वेश्चन में 44 मीटर। अब परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर है 44। अब देखिए इसमें मान लिखें 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान है नहीं, देखिए पूरे क्वेश्चन में त्रिज्या कहीं दी हुई नहीं है, परिधि दी है, क्षेत्रफल पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो देखिए बराबर 44। अब हमें आर ज्ञात करनी है, इसलिए आर को तो मैं यही रख दूंगा, बाकी संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए 2 ऊपर है ये नीचे आएगा, ये 7 नीचे है ये ऊपर जाएगा, 22 ऊपर है ये नीचे आएगा। जैसे ही संख्या इधर जाएंगी संख्या पलटी हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे चली जाएंगी, तो ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 गुणा 22। अब देखिए नीचे बनता है 22 दूनी 44, 44 से 44 कट जाएगा तो आर बराबर आ जाएगी 7 मीटर। अब जब आर हमारे पास आ गई, आर त्रिज्या को बोलते हैं, त्रिज्या का संकेत है आर, जब त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी तो हम क्षेत्रफल वृत्त का ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, पाई आर की स्क्वायर, ये सूत्र है वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा में त्रिज्या देखिए 7 है, तो 7 की स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को दो बार लिखना होता है, किसी भी संख्या की स्क्वायर हो, चाहे वो 2 की स्क्वायर हो तो उसको 2 गुणा 2 लिखा जाता है, 5 की स्क्वायर हो तो उसको 5 गुणा 5 लिखा जाता है, 7 की स्क्वायर हो तो 7 गुणा 7 लिखा जाता है, आर की स्क्वायर हो तो आर गुणा आर लिखा जाता है,
तो कहने का मतलब जब भी स्क्वेयर होती है तो उसका मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। अब r की स्क्वेयर का मतलब r गुणा r है, r का मान 7 है तो 7 गुणा 7 जाएगा। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 7 = 154 मीटर स्क्वेयर, ये हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके भी दिया जा सकता है, जैसे ये दे देता कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वेयर है और वृत्त की परिधि ज्ञात करो, एक वृत्त की परिधि ज्ञात करो जहां पर वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। इसी प्रश्न को उल्टा बनाकर भी दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रश्न को जैसे पढ़ करके जाएं वैसे ही प्रश्न पेपर में आए, कोई ऐसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रश्न को ऐसे दिया जा सकता है कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात करो, वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वेयर है। तो उल्टा हो गया, पिछली बार परिधि दी थी हमें 44 और क्षेत्रफल पूछा था, इस बार हमें क्षेत्रफल दे दिया, परिधि पूछी है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वेयर है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर की स्क्वेयर, इसके बराबर मान दिया है 154 मीटर स्क्वेयर। अब देखें पाई का मान हो गया 22/7 गुणा में आर होगी, आर की स्क्वेयर आ जाएगी, ये हमें दी हुई है नहीं, बराबर आ गया 154। अब ये 22/7 जो इसके साथ है आर स्क्वेयर के, ये दूसरी तरफ जाएगा तो 154 संख्या पलटी होगी, जब दूसरी साइड जाएगा बराबर से 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वेयर आ जाएगी। अब देखिए आर की स्क्वेयर बराबर 22/154 होते हैं, 7 × 7 आर की स्क्वेयर का मान है। आप लिख सकते हैं कि आर की स्क्वेयर बराबर 7 × 7 को स्क्वेयर में बदलें तो स्क्वेयर 7 × 7 को 7 की स्क्वेयर लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 7 की स्क्वेयर हो तो उसको 7 × 7 लिखा जाता है, 2 की स्क्वेयर हो तो उसको 2 × 2 लिखा जा सकता है। तो ये कहते हैं विस्तार को घातांक रूप में बदलना, ये विस्तारित रूप है 7 का, इसको घातांक रूप में लिख दिया 7 की स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो गई, आर बराबर 7 आ गया। तो इस प्रकार से आर आ गई 7 हमारे पास। अब निकालनी है हमें वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr का सूत्र होता है, 2 गुणा वृत्त की परिधि हो गई 22/7 गुणा में आर है हमारे पास 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 44 मीटर। इस प्रकार से क्षेत्रफल से हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं और परिधि से क्षेत्रफल। ये तो मैंने करवाया आपको, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर लिख दी संख्या को, जब परिधि दी हुई थी तो परिधि के सूत्र के बराबर लिख दी संख्या को, लेकिन इनके सीधे सूत्र भी हैं त्रिज्या ज्ञात करने के, जैसे आपने आर ज्ञात किया ना इसे, सीधा सूत्र भी है आर बराबर क्षेत्रफल बटे ने पाई का रूट। इस सूत्र में अगर हम सीधे मान डाल देते तो भी आर आ जाती हमारी, जैसे इसमें बराबर लिख के आर निकाली है ना हमने, इस सूत्र में मान लिख करके भी आर निकाल सकते थे हम, जैसे क्षेत्रफल 154 पाई का मान 22/7 154, 3 नंबर की संख्या ऊपर जाएगी 7 नीचे आ जाएगा 22, इसका वर्गमूल निकालना है, 22/7 154 7 × 7 का रूट, यानी जब वर्गमूल निकालें तो पता है जोड़े में से एक लिया जाता है तो 7 मीटर ऐसे जोड़े में से एक 7 त्रिज्या आ जाती, जैसे इसमें निकाली ऐसे इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, फिर परिधि आगे ऐसी आ जाएगी। और परिधि से आर ज्ञात करने का सूत्र भी है, आर बराबर परिधि बटे 2π। अगर परिधि दी हुई हो सवाल में तो परिधि से त्रिज्या निकालें तो परिधि में 2π का भाग लगाने पर
वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इस बार त्रिज्या दी हुई है और अर्धवृत्ताकार प्लाट है, त्रिज्या 21 मीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। परिमाप चारों ओर की माप होती है, परिमाप का एक नाम और भी है, परिमिति भी बोलते हैं इसको, और वृत्त में इसको परिधि बोलते हैं। अब ये कोई अर्धवृत्ताकार प्लाट है ऐसे, इसकी त्रिज्या जो है वो 21 मीटर है। एक तो इसका क्षेत्रफल बताना है और एक बताना है इसका परिमाप। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आधा कर देंगे वृत्त का, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर 21 है, 21 गुणा में 21, क्योंकि स्क्वायर है ना आर की, और स्क्वायर है तो दो बार गुणा किया जाएगा। अब 7 का भाग 21 में जा रहा है, 3 × 7 = 21, और 2 का भाग 22 में जा रहा है, 11 × 22। अब देखिए 11 गुणा में 21 का गुणा करें 3 से तो 21 × 3 = 63। अब 11 का गुणा कर दें 66 के साथ, तो एक तरीका तो है कि 11 का पढ़ा पढ़ दें 3 तक, 11 × 3 = 33, आंसर लगी 3। 11 × 6 = 66, 66 × 3 = 72, 693 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। ये तो है कि आपको 11 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे, 11 × 3 = 33 का तिया आंसर लगी 3, 11 × 6 = 66 बनता ही है, 66 में 3 आंसर जोड़ दें तो 69। दूसरा, किसी को ऐसे गुणा नहीं करना है तो ऐसे गुणा कर सकते हैं आप, 3, 6, 3, 6, ये 3, ये 9 और ये 6, इस प्रकार से भी गुणा किया जा सकता है। आगे इसमें ये तो हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेकंड प्रश्न इसमें बता रहा है अर्धवृत्त का परिमाप। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस में 2r, मतलब ये तो हो गया वृत्त की परिधि का आधा, 2πr का आधा पाई आर, यहां से यहां तक ये गुणाई। तो परिमाप निकालनी है तो चारों ओर की माप निकालनी है, तो इससे इतने से काम नहीं चलेगा, ये और निकालनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई पाई आर प्लस में ये हो गया व्यास, व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगुना है 21 × 21, 2r 22/7 गुणा आर है 21, 2 × 21, ये 3 × 7 = 21, 22 × 3 = 66, 21 × 42, और ये हो गया 6 × 4 = 108 मीटर। इस प्रकार से अर्धवृत्त का परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है हमारे पास, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 88 मीटर की। सौ चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम तो देखिए, ये जो दूरी मीटर में दे रखी है इसको हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 88 मीटर या 88 × 100 = 8800 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। स्कूटर के का पहिया 100 चक्कर में जो दूरी तय करता है, वो दूरी 100 चक्कर में तय की गई दूरी है, ये 88 मीटर लिख सकते हो आप या 8800 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर 100 सेमी होता है। मीटर तो आपको पता होगा, 3.25 फुट के करीब 1 मीटर होता है इतना, और उसके अंदर सेंटीमीटर देखें हम तो 100 होते हैं। तो फिर 88 मीटर में सेंटीमीटर देखेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, यानी 8800 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 100 चक्कर में तय की गई दूरी है 8800 सेंटीमीटर, इसलिए 1 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 8800 सेंटीमीटर की दूरी पर जाता है तो 1 चक्कर में दूरी कितनी होगी, 100 का भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जब ज़्यादा का दे करके रेट कम का पूछते हैं तो भाग लगाना पड़ता है। जैसे 5 किलो चीनी का भाव 200 रुपये है, तो 1 किलो चीनी का भाव देखना है तो 200 में 5 का भाग दे दें तो पता चल जाएगा कि कितने किलो चीनी आएगी, कितने रुपए लगेंगे 1 किलो के। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। सीधी सी बात यह है कि 1 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, यानी 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है तो 1 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। अब 1 चक्कर में जो दूरी तय की जाती है, कोई भी वृत्ताकार आकृति हो, वो 1 चक्कर में जब दूरी तय करती है, जैसे इसको हम यहाँ से ऐसे आगे खिसकाना शुरू करें तो इसका जो 1 चक्कर है, जैसे यहाँ से शुरू होकर के 1 चक्कर यहाँ पर पूरा होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आती है इसकी, ये वाली ये जो दूरी आएगी 1 चक्कर की, ये इसकी गोलाई के बराबर आती है हमेशा। तो किसी भी वृत्ताकार चक्ति के द्वारा 1 चक्कर में तय की गई दूरी है वो उसकी परिधि के बराबर होती है। ये जो गोलाई है, इस गोलाई के बराबर ही 1 चक्कर में दूरी तय करेगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्ताकार चक्ति के द्वारा 1 चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है। तो ये जो 1 चक्कर की दूरी आई है, ये परिधि के बराबर आई है। तो
परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब परिधि से निकालेंगे हम त्रिज्या, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर है 88, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा में r बराबर है 88। r बराबर देखें 88 गुणा में ये 7 नीचे ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा, तो r बराबर 88 गुणा 7 बटे 22 दूनी 44, और 44 को 88 में भाग दें तो 2 आएगा, r बराबर आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इसको हल कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पांचवा क्वेश्चन पहले मैं आपको बदल करके करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल दिया है, इस बार आपको पहले ही बताया जा चुका है कि क्षेत्रफल या परिधि दे दी जाए तो सूत्र के बराबर लिखते हैं। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का माप दिया है हमारे पास 154, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा में आर की स्क्वायर बराबर है 154, आर की स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 बटे 22, ये जो 22 बटे 7 है इसे 154 की तरफ जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आर की स्क्वायर आ जाएगी, आर की स्क्वायर बराबर 22 आते 154 यानी 7 गुणा 7, आर की स्क्वायर बराबर इसको घातांक रूप में लिखें तो 7 की स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर कटने पर आर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब बताना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है वृत्त की परिधि बतानी है, परिधि होगी 2πr, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा में r 7 प्राप्त की है, 7 7 से 7 कट 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि आ जाएगी। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।